चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर थर्ड है साइंस, ठीक है। और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। सबको पता मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, धातुएं क्या होती हैं, ठीक है। अब बेसिकली आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, मतलब जो धातुएं और अधातुएं कब रिएक्शन करती हैं और कब नहीं करती हैं, ठीक है। या ये जो रिएक्शन क्यों करती हैं, ठीक है। क्या जब रिएक्शन करती हैं तो इनके साथ ऐसा क्या होता है कि ये रिएक्शन कर जाती हैं। क्वेश्चन क्या है इसमें कि कोई भी मेटल है या नॉन मेटल है या नोबल गैस है, आज हम पढ़ेंगे नोबल गैस के बारे में। किसके बारे में? नोबल गैस क्या होता है मैं बताऊंगा अभी। मतलब ये सारी चीजें हैं जो गैसे जो बने हैं नोबल गैसे, तो ये क्या ऐसा क्या होता है इनके साथ कि इसमें रिएक्शन होता है कुछ के साथ, कुछ के साथ रिएक्शन नहीं भी होता है। तुमने ये भी पढ़ा होगा अभी, सक्रियता श्रेणी है ना, क्या बोलते हैं इसमें, सक्रियता श्रेणी इंग्लिश में, रिएक्टिविटी सीरीज। तो इनमें तुमने ये भी पढ़ा इसमें कि जो मोर रिएक्टिव होता है जो ऊपर होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, वो नीचे वाले को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, है ना। अच्छा अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि ये आखिर कौन कितना स्ट्रांग होता है, कौन कितना ज्यादा एक्टिव होता है, कौन कितना ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो जो होता है तो क्यों होता है, आज हम उसके अंदर तक जाएंगे। तो उसके लिए हमें पढ़ना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। मुझे लग रहा है कि 9th क्लास में थोड़ा बहुत रहा होगा। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंब संरचना है ना, नहीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आज हम करेंगे दो टाइप का, तो देख लो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या कुछ मेटल, ऐसे लिखना क्या क्वेश्चन लिखोगे, कुछ मेटल्स नॉन मेटल्स। पहले क्या हम करेंगे देखना, तो टेबल में क्या बना रखा है, पहले नोबल गैस है ना, नोबल गैस पहले हिंदी में बोल देता हूँ फिर बोलता हूँ, नोबल गैस। और क्या है, हाँ क्या कहते हैं नोबल गैस को, एक्री गैस, क्या बोलते हैं बच्चों, या उत्कृष्ट गैस, क्या बोलते हैं, अक्री भी बोलते हैं, अक्री या अक्री या उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट है ना, सही लिखा उत्कृष्ट। अच्छा ऐसे नीचे लाया हुआ है, ऐसे लिखा हुआ, ठीक है, उत्कृष्ट गैस। अच्छा ये जो उत्कृष्ट गैस है, पहली बात तो कहते हैं किसे उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस किसे कहते हैं, ठीक है, नोबल गैस किसे कहते हैं कि जिसका ऑर्बिट, जिसके लास्ट ऑर्बिट में क्या होता है, पूरा होता है, जिसका लास्ट ऑर्बिट अंतिम कक्षा पूरा होता है, इसका अंतिम कक्षा क्या होता है, अब इसका अंतिम कक्षा पूरा होता है, अंतिम कक्षा का मतलब होता है लास्ट ऑर्बिट, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लास्ट ऑर्बिट क्या होता है, पूरा होता है। तो लास्ट ऑर्बिट किसका पूरा होता है कैसे पता चलेगा, ध्यान देना इसमें, ये लास्ट ऑर्बिट किसका होता है कि जैसे अभी हमने बताया था कि किसी का एटॉमिक नंबर है, मान लो किसी का बहुत ज्यादा है, मान लो 30 किसी का, ठीक है, जिंक है, ठीक है, अच्छा जिंक है, ठीक है, तो पहले सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये रूल होता है, ठीक है। दूसरे में मैक्सिमम कितने जाएंगे, एक जाएंगे, ठीक है, और थर्ड वाले में कितने जाएंगे, फिलहाल अभी तुम्हारे कोर्स के अकॉर्डिंग अभी तक के हिसाब से एक मैं भेज रहा हूँ, यानी एट जाएंगे, ठीक है, जाएंगे 18 मगर अभी एट जाएंगे। तो अब इसमें से ये बताओगे, जब हम थर्टीन जिंक की अगर हम बात करें तो पहले में कितना होगा, दो, दूसरे में, तीसरे में, ठीक है, कितना होगा, 8, 8, 16, 18 और आगे 18 और 18, 12 कितना होता है, 12। तो उसमें मालूम क्या होता है, अब कुछ ज्यादा ही मैं ज्यादा ले लिया, अगर 8 लिख करके कितना हो गया, 24 और 26, देखना ध्यान से सुनना, यहाँ पे 8 लिख करके, ठीक है, 8 लिख के 24 और 2 26, 26 से कितना ज्यादा है, 26 कितना ज्यादा, 4, यहाँ पे 12 हो जाएगा, मतलब जोड़ देंगे दरवाजे में, ये तो कुछ ज्यादा मैं अंदर चला गया, पहले छोटा लेते हैं, पहले थोड़ा छोटा लेते हैं, जैसे मान लो 20, ठीक है, कैल्शियम है, क्या है, कैल्शियम है, ठीक है, 2 और 8 और 2 कितना आ जाएगा, कितना बचा,
18 अब आएगा तो ठीक है। तो नोबल गैस की हम बात करेंगे कि नोबल गैस किसे कहते हैं, इसके तो लास्ट सेल में कितने दो हैं, ये नोबल गैस नहीं है, ये एक्टिव क्या है, सक्रिय गैस है। सक्रिय का मतलब एक्टिव गैस, कैसे आए सक्रिय गैस है, यानी क्या कहेंगे हम इसको, एक्टिव है, एक्टिव का मतलब है किसी के साथ रिएक्शन करता रहता है। अच्छा तो नोबल गैस पे हम आते हैं सीधे सीधे टॉपिक पर, नोबल गैस क्या होता है, कौन सा नोबल गैस, सक्रिय गैस क्या होता है, जिसका लास्ट सेल कंप्लीट होता है, जिसका लास्ट सेल क्या होता है। अब यही मैं बताने के लिए कि कंप्लीट होता क्या चीज है, कंप्लीट का मतलब यह है जिसके लास्ट सेल में, देखो अगर फर्स्ट यह वाला सेल है तो दो होना चाहिए, अगर फर्स्ट सेल है तो उसके लास्ट सेल में दो होना चाहिए, अगर इस सेल को कंप्लीट करने की हम बात करेंगे तो आठ होना चाहिए, थर्ड वाले सेल को कंप्लीट करने की बात करेंगे उसमें भी आठ होना चाहिए। मैं एग्जांपल पे आता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है दो, तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे दो, इसको हटा दो अभी, कितने जाएंगे दो, ठीक है। तो पहले सेल में दो इलेक्ट्रॉन नॉर्मली होना भी चाहिए, ठीक है, और है भी यहाँ पे दो, अच्छा पहला सेल, अच्छा इसमें क्या और भी इलेक्ट्रॉन आएंगे आगे, नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि इसका इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है दो ही है, कितना इसका, अच्छा सुन लो ध्यान से, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मेटल नॉन मेटल चाहे वो नोबल गैस हो, जितना इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, जितना उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है उतना ही क्या होता है, और वही उसका एटॉमिक नंबर भी होता है, ठीक है, क्या होता है, और वही प्रोटॉनों की संख्या भी होती है, पढ़े सब सारी चीजें, ये सर ये तो पढ़ाई इलेक्ट्रॉन सारी चीजें तो मतलब दोनों नंबर बराबर, हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, और क्या बात, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, ठीक है। अच्छा तो बात ये हो रही है कि इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है, जितना चाहिए उतना हमारे कंप्लीट है, दो होना चाहिए। अच्छा उसके बाद आता है हमारा नियॉन, क्या आता है, मैं समझ रहा हूँ यही पर लिखो ज्यादा सही रहेगा, इसको बोलते हैं क्या आम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, पहले एलिमेंट का नाम लिख लो, हो गया नोबल गैस, अच्छा नोबल गैस में कौन से एलिमेंट की हम बात करेंगे, एलिमेंट किसकी बात कर रहे हैं हम, हीलियम, ठीक है, अब हीलियम का एटॉमिक नंबर हमें पता है कितना आपका है, अच्छा जब दो होता है तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो हमने बताया अभी अभी क्या, पहले सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, बोलो बात समझाए, पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है दो, तो दो है तो दो चला जाएगा फर्स्ट वाले सेल में, ठीक है, तो आप ऐसे समझा दूं मैं, हीलियम है, ठीक है, पहले सेल में दो इलेक्ट्रॉन चले गए, काम खत्म हो गया इसका, मतलब क्या है इसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इसमें कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इसका मतलब ये नोबल गैस है, क्या है ये नोबल गैस है, और उसके अलावा हीलियम के बाद हमें मिलेगा नियॉन, ठीक है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, पहले में दो दूसरे में 8, पर हम कहां जाना, पहले इलेक्ट्रॉन पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आया, इसकी बात कर रहे हैं नियॉन, पहले में दो आ गया बचा कितना, बोलोगे तभी समझाएगा कितना कितना इलेक्ट्रॉन मिलता, ठीक है, 8 तो 2 4 हो गए और 2 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से 2 और 8, तो लास्ट सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इसमें सेकंड सेल में, ठीक है, द्वितीय कक्षा में कितना होना चाहिए 8, और 8 है, इसका मतलब ये क्या है नोबल गैस, इसका मतलब क्या है नोबल गैस है, सक्रिय गैस है या उत्कृष्ट गैस है, ठीक है, नोबल गैस का काम क्या है, हाँ यह है क्या, हीलियम का, हीलियम का अभी यूज कर स्पेस में होते हैं, स्पेस में होते हैं, उसके अलावा नियॉन वगैरह का यूज कहाँ होता है, एटमॉस्फेयर में, ज्यादातर ये केमिकल वगैरह बनाने में, केमिकल तो नहीं है रिएक्शन में करेंगे नहीं, ये रिएक्शन को एक्साइटेड करने में,
एक्साइटेड का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ तुमको। मैंने एक वर्ड बोला था, क्या बोला था कि उसको अभिक्रिया को तेज कर देता है मगर कैटलिस्ट, क्या बोलते हैं हिंदी में, उत्क्रमण, उत्क्रमणी तत्व। आ जाइए, तो तुम पूछ रहे थे कि क्या अभिक्रिया गैस या नोबल गैस का यूज कहाँ होता है, ये एज ए कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं। कैटलिस्ट और भी कई जगह होते हैं, फैक्ट्रियों में अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। कैटलिस्ट समझ रहे हो? यस सर, मैं समझ रहा हूँ। कैटलिस्ट का मतलब उत्प्रेरक, किसी तरह से ये हमने बताया था सिंपल तरीके से कि ये दोनों में झगड़ा तकड़वा देता है और झगड़े को बढ़ा देता है, लड़ाई मतलब अभिक्रिया। तो उत्प्रेरक का काम क्या होता है? जब दो अभिकारक, जब दो रिएक्टेंट मिलकर के अभिक्रिया कर रहे होते हैं, रिएक्शन कर रहे होते हैं, तो उनकी स्पीड को बढ़ा देना, क्रियाशीलता को क्या करना, ये काम होता है कैटलिस्ट का। ठीक है, तो ऐसे नियॉन वगैरह कई चीजों का कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है। हाइड्रोजन का नहीं, बहुत कम चीजों का, अलग अलग तरीके से यूज होता है। हाइड्रोजन रिएक्शन कर जाएगा ना उनके साथ, इसलिए नहीं होगा। हाँ नहीं, देखो नियॉन का मेन मैं बताता हूँ अभी, एक्चुअली क्या है ना, हम चैप्टर फिफ्थ में पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से डीपली। हाँ, फिर भी इसमें ओके, इसमें है ना मॉडर्न पीरियडिक टेबल, उसमें हम पढ़ेंगे सब पूरा एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और हीलियम नियॉन के बाद हमें मिलेगा आर्गन, क्या मिलेगा आर्गन का डबल नंबर कितना होता है, 13। तो पहले सेल में दो, दूसरे में, ठीक है, तीसरे में, लास्ट कंप्लीट है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा ये कर क्या रहा हूँ मैं, ये कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका कर रहा हूँ आर्गन। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, और भी होते हैं इसके अलावा, क्या कौन कौन से होते हैं? एक होता है थाइटोसिस, इसका होता है, इसको बायोमेटलाइज कहते थे। हाँ, बायोमेटलिस्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बायोमेटलिस्ट। नहीं, बायोमेटलिस्ट तो उसमें हो जाएगा ना, बायो में, वो तो जीव विज्ञान से रिलेटेड होगा, बायो से, केमिस्ट्री में कैटलिस्ट बोलते हैं उसको। ठीक है ना, अच्छा, बायोमेटलिस्ट में जो जहाँ पे बायो से रिलेटेड कोई रिएक्शन वगैरह हो रहा है, ठीक है, वहां पर जो कैटलिस्ट के रूप में काम करेंगे वो बायोमेटलिस्ट होंगे। जैसे बढ़ाना यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या है उसके बारे में, उसके बाद आता है जेनॉन, क्या आता है, हाँ जेनॉन में कितना आएगा, 56 है क्या, देख रहे मिला लाइन से होगा, ठीक है। अच्छा, ढेर सारे क्या आएंगे, ढेर सारे क्या आएंगे, नोबल गैस है। ठीक है, अच्छा बहुत फिलहाल सफिशियंट है नोबल गैस के बारे में जानकारी के लिए तुम्हारे। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कुछ मेटल्स के बारे में, ठीक है। धातुएं, धातुओं में हम कुछ भी पढ़ लें, जैसे मान लो कुछ धातुओं का नाम बताओ थोड़ा, सोडियम स्टार्ट कर दो, ठीक है, पहले सोडियम कितना आया है, यानी ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिख लो, प्रमाण प्रमाण, उसके बाद पहले से कितना इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो बाद जिसे मैं पूछूंगा वो बताएगा, तुम बोलना अगले से कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, अगले कितना आएंगे, बोलो बोलो, वन आएंगे, क्यों वन आएंगे, 8 to 10 और 1 11 हो गया, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद मैग्नीशियम का बोल दो, 12, ठीक है, 2 और 8 और 2, तो लास्ट कंप्लीट है क्या, नहीं कंप्लीट है, ठीक है, 8 होना चाहिए, कितना होना चाहिए। और मैग्नीशियम के बाद कोई एल्यूमिनियम का बोल दो, ठीक है, बढ़ते रहते हैं, बढ़ता रहता है, इसमें 8 ही आएगा, हाँ ये हमेशा 8 आएगा, ठीक है। बीच में अब क्या है, ठीक है, एक क्या चीज देखा हमने मेटल के बारे में, ठीक है। अच्छा, कुछ नॉन मेटल ले लेते हैं, हाँ ठीक है, और ढेर सारे मेटल है, कुछ नॉन मेटल, हाइड्रोजन, चलो शुरू कर दो। हाइड्रोजन क्या है, इसका एटॉमिक नंबर, सर हाइड्रोजन इसे नॉन मेटल आएंगे, और धातु, ठीक है, नाइट्रोजन, पहले हम क्या ले लें, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है, 1, 1, ठीक है ना।
और इसके अलावा बताना देखो अब मेन यहाँ से स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। हाँ बोलो नॉन मेटल में गैस कैसे आ गए? गैसे नॉन मेटल है ना, हाँ धातु है, मतलब जो क्या मेटल जैसे नेचर नहीं है इनका। ऑक्सीजन क्या कह रही जो मेटल जैसा, अच्छा केवल गैसे ही नहीं है, प्लास्टिक और ये वुड लकड़ियाँ पेपर सारी चीजें इसमें आएंगी, ठीक है ना, क्योंकि गैस का जो नेचर है वो मेटल जैसा, यही कारण है उनको किसमें रखा जाता है। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब बताओ ये क्या है? रुको, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर देख कर नहीं बोलना, ध्यान रखना, नाइट्रोजन ठीक है सेवन। चलो तो बोला एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले में कितने आते हैं? पहले में सब में ऊपर देख, पहले में कितने आते हैं? दो, पहले में दो। अच्छा ठीक है, अरे मैं एक लिख दिया था ना, देख करके बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, पहले में दो, फिर दूसरे में पांच। हाँ पांच, पांच ही बचा है, पांच तो सात समझाए बार। अच्छा नाइट्रोजन के बाद क्या? ऑक्सीजन, ठीक है ऑक्सीजन मार के सबको बता रहे हैं। मुझे नहीं पता, बताओ दो मेरे को बताओ, बंदे का कर लो। ऑक्सीजन के बाद क्या आता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन ये भी नॉन मेटल में आता है, ठीक है, आता है फ्लोरीन, ठीक है। बोलो इन तीनों में तुमने लास्ट सेल के अकॉर्डिंग, लास्ट सेल का मतलब लास्ट सेल में कितने रखाना है, उनमें कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है। डिफरेंस ये है कि जो नोबल गैस है इनके लास्ट सेल कंप्लीट है, अंतिम कक्षा क्या है इनका पूरा है, इसलिए इसे हम कहते हैं नोबल गैस, ठीक है। जो मेटल की क्या प्रॉपर्टी है, क्या पहचान है, इसके जो लास्ट सेल में कोई भी मेटल होगा, ठीक है, उसके लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो चार से कम होंगे ना होगा बच्चों, चार से कम होंगे, बात समझ आई? चार से कम मतलब जैसे वन टू थ्री, चार से कम है, यानी जो मेटल्स होते हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, क्या करते हैं बताओ, देने का काम करते हैं। और ये जो नाइट्रोजन हाइड्रो और ऑक्सीजन क्लोरीन, ठीक है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेंगे, क्यों, क्योंकि इनको अपने लास्ट सेल में कितना पूरा करना है, आठ, ऐसी है आठ पूरा करना है, तो इसको कितना मिलेगा, तीन तीन, और इसको दो, इसको एक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो किसमें आते हैं, नॉन मेटल में और धातुओं में आते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेंगे, दो बातें समझ में आई सर। अब इसका हम जो तुम्हारे सर ने बताया था हमारे सर ने क्या कि कैसे ये रिएक्शन करते हैं, जो हमारा टॉपिक है आज का वो है कि कैसे रिएक्शन करते हैं। तो अब अभी अभी हमें पता चला क्या, ये जो सोडियम है, क्या है, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना आएगा, ठीक है ना, तो सोडियम का जब 11 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, दो आठ होगा, है ना, समझे ना आप क्या है। अब हम थोड़ा सा एरो बना करके हम बता देंगे कि ये जो सोडियम ने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन, अच्छा क्या करेगा, अभी अभी हमने बोला जितने मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, देने काम करते हैं, यानी उन पर कौन सा रसायन आती है, एनायन होता है ना, होता है, तो प्लस का साइन, एक प्लस देंगे या दो या तीन, कितने देंगे, क्यों बन देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे दिया, जब दिया तो यहाँ पे हम क्या ले देंगे, प्लस वन इलेक्ट्रॉन ये निकाल रहा है, क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, बात समझ में आई, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, निकाल लिया। अब पूछा जाएगा तुमसे क्वेश्चन में ऑप्शन दे करके कि बताओ सोडियम पॉजिटिव, इसका सोडियम आयन बोलते हैं, सोडियम आयन के ऊपर धनात्मक तो बोलते हैं और इसको बोलते हैं कैटायन, ठीक है, कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, हाँ और दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एनोड, क्या बोलते हैं इसको, एनोड से मैं एनान बोल दिया था, पता तुम्हें, समझाई बात, बिलाल एनोड अलग चीज है, मतलब कैसे को एक कैटायन को हम क्या करेंगे, एनोड, ठीक है। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा, मैंने बोला था ना कि रिएक्शन क्यों करता है, कैसे करता है, कितने इलेक्ट्रॉन देगा ये, ठीक है,
क्यों देगा? ठीक है, मैग्नीशियम पे हम चलते हैं किस पर? अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे करके आप। हाँ अच्छा, अब ये बताओ, हाँ मैं क्वेश्चन था है कि ऑप्शन के रूप में क्या पूछेगा? सोडियम आयन है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो कहेगा 2 8 1 है, 2 8 2 है, 2 8 2 8 है, केवल इतना है 2 8। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2 8 2 8। हाँ गलत, 2 8 वाला, 2 8 क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें निकाल दिया, सोडियम आयन हो गया, सोडियम आयन का सोडियम लिखा होगा तो 2 8 एक पूरा पता लिखेंगे, सोडियम आयन है, सोडियम कटायन है, धनायन है, 2 8 होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 होता है, तो इसमें कितना जाएगा? 2 8 2, यानी ये क्या करेगा, ये अंतिम कितने इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा? 2। इसके ऊपर कितने प्लस साइन आएंगे? 2। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन देगा ये? 2 देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, ध्यान रखना हमेशा, प्लस पता चला कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव दे दीजिए, ठीक है ना। अच्छा एम जी के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 10, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया? अच्छा अब बात हो रही है कि ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, तो सोडियम उसी के साथ रिएक्शन करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है कि ये सोडियम किस ढूंढेगा, एक ऐसे मतलब एक ऐसे नॉन मेटल के साथ, एक ऐसे नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करना चाहेगा जिसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। अब हम क्या है कि मैं एक रोटी लेकर के घर से आया, अब किसी का पेट पूरा खाली है, तो उसको एक रोटी देना चाहूंगा? नहीं, इसको एक रोटी जरूरत होगी, उसी को एक रोटी देना चाहूंगा, बात समझ आई? तो ऐसे क्लोरीन एक ऐसा क्या है, नॉन मेटल है, गैस है, क्लोरीन क्या है, गैस, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है, कितना होता है बताओ? 17, ठीक है। अब क्या होगा कि जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन क्या करेगा कि इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेने क्या है, इलेक्ट्रॉन की, हाँ बोलो, तो अब क्या करेगा जो क्लोरीन है, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा, तो अब उसको हम उल्टा दिखाएंगे, ऐसे देखो ये 17 है, ये क्या होगा, अब क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिखेंगे सीएल, क्या लिखेंगे यहाँ सीएल, और तो सीएल क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा, यही वाला एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन वालों को बाद में समझाऊंगा, पहले इसको समझा दूं, ठीक है ना। तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तो अब यहाँ पर इसकी जो बैलेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो कितना आ जाएगा, 2 8 8। अच्छा नॉर्मली इसका कितना होता है, जो 17 का है, 2 8 7 होता है, अब यहाँ पे 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है ना। अच्छा अब इनको हम एक साथ कैसे दिखा दिया, हमको पता ये चल गया कि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दान करना चाह रहा है, अब हम दोनों को एक साथ रिएक्शन करवाएंगे, वो ऐसे सोडियम है, सोडियम के ऊपर कितना आ गया बैलेंस बताओ, एक इलेक्ट्रॉन फालतू है ना, हमने उसको ऐसे दिखा दिया, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, इसका है काटा भी मार सकते हो तुम, ठीक है, लेकिन सोडियम अलग है और क्लोरीन अलग है, इसको हमने काटा शो कर दिया। अच्छा ये एक इलेक्ट्रॉन को उसकी जरूरत है, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है, तो हम यहाँ पर ऐसे दिखा दें, हम कितना 7 इलेक्ट्रॉन है ना, पहले से देखना, 7 इलेक्ट्रॉन है पहले से, 1 2 4 5 6 7 है ना, अभी एक इलेक्ट्रॉन है देखो जा रहा है इसके ऊपर, ठीक है ना। अब यहाँ पर रिएक्शन के बाद कितने क्या बन जाएगा, ये है ना, एनएसीएल क्या बन जाएगा बताओ, हाँ एनए क्या हो जाएगा, एनए के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव साइन, ठीक है, क्या हो जाएगा इसको पॉजिटिव साइन, और सीएल के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, क्यों हमारे नेगेटिव साइन होता है कोई बताएगा, इसके ऊपर, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन था इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 1 2 2 4 2 6 7 और 1 8, ठीक है, ये क्या करेगा,
देखो ऐसे कर सकते हो, चाहे नेगेटिव आने यहाँ पर लिख दो चाहे ऊपर लिख दो। ये नेगेटिव आयन क्या असर करता है बताना, उसमें एक इलेक्ट्रॉन दिया और सोडियम के ऊपर जो पॉजिटिव आयन क्या असर करता है, ठीक है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन दिया और एक इलेक्ट्रॉन ये लिया है। और फिर ये फाइनली हम NaCl लिख देते हैं, साथ क्या लिख देते हैं, ठीक है, ये NaCl बना क्या सोडियम, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड Na पॉजिटिव। ये कब शो करते हैं पता चला, पॉजिटिव जब एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा और सीएल के ऊपर निगेटिव आयन कब आएगा, फिर से बताना जरूरत पड़ेगी, ये एक इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है देख रहा था, ठीक है, दोनों मिल करके देखो। अच्छा अब इसके ऊपर पॉजिटिव आयन को देख करके तुरंत समझ जाओगे नहीं, दे दिया इलेक्ट्रॉन इसने एक दे रहा है, ठीक है, और ये क्या दिया है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अच्छा अब ऐसे ही एनजी वाला भी नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, ठीक है ना, ठीक है सर। हाँ अब अच्छा इसको कहते क्या, ये फॉर्मेशन आप क्या बना पता है, क्या जी का फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, बनना क्या भी बना होता हूँ फॉर्मेशन आप इसको लेते हैं सोडियम क्लोराइड, क्या जी फॉर्मेशन आप बासंगाई सोडियम क्लोराइड का बनना, बोलो सोडियम के बाद ये इलेक्ट्रॉन लेने काम करता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। हाँ अभी अलग बात ये हमें यहाँ पे देखना, इलेक्ट्रॉन दे रहा था यहाँ पे प्लस के साइन, ठीक है। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले रहा था यहाँ पे प्लस के साइन, तो इधर आएगा, जिधर जो लेगा वो पहले लिखेंगे और दे रहा था उसको बाद में निकाल, ठीक है। अच्छा ये क्या था फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड। हाँ अब हम थोड़ा एक और पढ़ लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्या आएगा, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, मैं अच्छा अभी समझ आया नहीं, मैग्नीशियम क्लोराइड क्योंकि वो थोड़ा मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं होगा, मैग्नीशियम के साथ किसका होगा, हाँ क्लोराइड के साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब हमें ये देखना होता है कि किसके साथ, तो जरूरी थोड़ी क्लोरीन के साथ और भी किसी के साथ कर सकता है, अब जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है नहीं बनता है, MgO नहीं MgO बनता नहीं बनता है, ठीक है। अब देख लो Mg, अब सोचो Mg का फटाफट सोच लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं मैग्नीशियम में कितना है, ठीक है, दो आप दो इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन का, दो लेगा, ठीक है, ये क्या करेगा दो चार दो इलेक्ट्रॉन लेगा, हम इसका भी कर सकते हैं, ठीक है। और बुक में तुम्हारे क्या किसका कर रखा है, अच्छा अभी एम जी है, हमें अभी अभी हमने पता चल कर लिया क्या कितना आ रहा है मैग्नीशियम के लास्ट सेल में, ऐसे लिखे हम दो आठ दो, क्या कर रहा है दो इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा थे, एम जी के ऊपर कितना पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अच्छा अब क्लोरीन का हमें पता है कलर, इसको क्लोरीन का कितना आ जाएगा, टू एट, अच्छा सेवन, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा, है ना, तो जब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है तो इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, अब ये कैसे लेगा, जबकि क्या है एक क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कैसे लेगा, कैसे हाँ तो कैसे लेगा, एम जी ध्यान देना एम जी, ठीक है ना, इसके ऊपर हमें पता है कि दो इलेक्ट्रॉन फालतू है, एक दो, ठीक है, और ये क्या करेगा क्लोरीन को एक एक क्लोरीन कितने एक एक क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन देगा, कैसे देगा देखो कितने इलेक्ट्रॉन है इस पर, कितना बताया अभी हमने, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा एक नीचे सीएल है दो दो चार दो छह एक चार, और ये भी एक इलेक्ट्रॉन का इधर ही दे देगा, उसको ऊपर बना, ठीक है। हाँ तो अब हमें ये पता चल गया कि ये जो मैग्नीशियम है ये एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों सीएल को देगा, एक एक सीएल, क्योंकि एक सीएल को एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, या एक इलेक्ट्रॉन एक सीएल एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। ऐसे में हमारा रिएक्शन क्या बन जाएगा, देखो एम जी
इसलिए क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन दिया सोचा है तो दो बार प्लस दे दो, चार प्लस टू लिख दो, ऐसे भी लिख देते टू प्लस, ठीक है और साथ देखो यहाँ पे कुछ साइन मत देना, सीएल लिख करके, ठीक है सीएल कितने हैं यहाँ पर बता दो, दो है का एम जी के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन दिखा करके कितना इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, सात हो गया क्या, दो तो चार तो छह सात, इसको बॉक्स में क्लोज कर दो। अच्छा सीएल है कितना है यहाँ पर, दो है ना, तो दो है अलग अलग, यहाँ पर दो लिख दो, आप कितना लिखेंगे यहाँ, ठीक है अच्छा अब इसका मतलब यह है कि ये बना क्या है एम जी सी एल टू, सीएल कितना है टू, टू ठीक है, तो एम जी सी एल टू बन जाए, ऐसे लिखते हैं पीछे में दो एक, हाँ तो मेन क्या है यहाँ पर हमें कि हमें इस रिएक्शन से ये पता चल गया। अच्छा चलो मान लो तुम्हें ये सब कुछ नहीं याद है, तुमको क्या रिएक्शन दिख गया या रिएक्शन याद है, यस सर रिएक्शन नहीं क्या कहते हैं फार्मूला, ठीक है फार्मूला याद है, तो ये जो दो है ये कहाँ से लिया होगा कुंडली, मैग्नीशियम से, यानी ये जो दो है ये मैग्नीशियम की बैलेंसी होती है, बैलेंसी पहचाने का तरीका होता है शॉर्टकट में, हमेशा ऐसा नहीं होता है ज्यादातर ऐसा होता है, जो क्लोरीन के पास है वो क्लोरीन की वजह से इसके पास है और मैग्नीशियम के यहाँ पे वन मानते हैं, ठीक है तो क्लोरीन की वजह से कितनी होगी माइनस वन होती है, क्योंकि ये क्लोरीन क्या करता है इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है, ठीक है ना, बस आज इतना कर लो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड, ठीक है ओके।